आगरा के नए कार्ड ने आगरा परिसर में मुगलई फूड थीम जिसका प्रदर्शन करके इसी की तरह खाद्य सामग्री और अनुभव की शुरुआत करना है। प्रमाणिक में बनाए गए एक पौष्टिक मेन्यू की विशेषता बाले फूड फेस्टिवल को एक ऐसे माहौल में परोसा है। मैं यूईआई ग्लोबल आगरा में काफी समय से साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज जो सब आप लोग हमारे निमंत्रण हमारे पेरेंट्स लोग आए हैं, ये हमारे बच्चों की सिर्फ वो बच्चों की जो सिर्फ 2 महीने पुराने बच्चे हैं उनकी मेहनत देखी है। आप लोग देखिए, ये खुद ही परचेजिंग करी है, खुद ही बनाया है, अपने माता पिता को ही सर्व कर रहे हैं। और आज एंटरटेनमेंट में भी आपने देखा है कि बच्चे अपना सारा मनोरंजन दे रहे हैं। ये बच्चे पूरी जी जान से पिछले 2-3-4 दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ना आने का समय है ना जाने का समय है। अब ये देखिए, आज हमारे यहाँ पे दस्तर खान का आयोजित किया गया है जो कि एक फूड फेस्टिवल है। और मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें हम बच्चों को दे पा रहे हैं आगे भी देते रहेंगे और हमेशा देते रहेंगे, जिससे कि हमारे सारे बच्चे एक एंटरप्रेन्योर लर्निंग सीखे और आगे की तरफ अपने करियर की तरफ ग्रोथ करें। आज हम यहाँ पे दस्तर खान का एक फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यूआई ग्लोबल का परिचय पिछले 18 साल से आगरा में है। पिछले 18 साल से हम यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर रहे हैं। ये कोर्सेज जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हैं। ये कोर्सेज जो है ये नेशनल ही बनाए जाते हैं, स्किल काउंसिल के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। इन कोर्सेज का जो भी सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि बच्चों को हम किस तरह से एक हुनर दें, किस तरह से एक स्किल दें और उस स्किल के बेसिस पे किस तरह से उनकी जॉब लगाई जा सके। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। और इस प्रोसेस के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे वो जब कल इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में किस तरह से उन अपने हुनर को पेश कर पाएंगे। और ये जो प्रोसेस है ये पिछले 18 साल से आगरा के अंदर लगातार चलता आ रहा है। आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वो आज हम अपने फर्स्ट ईयर के बच्चे, जिसे हम फ्रेशमैन कहते हैं, ये पहले साल के बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है। इनमें से कुछ बच्चे तो अभी शायद 2 हफ्ते भी पुराने होंगे, यू नो। तो जहाँ पे अभी हम बच्चों को सिर्फ अपने टूल समझाते हैं, यहाँ पे यूआई ग्लोबल का एक स्टेज रहता है जिसके अंदर उनको पूरा फूड फेस्टिवल तैयार करके दिया जाता है। ये फूड फेस्टिवल के अंदर वो हर चीज़ समझते हैं कि कैसे उनका खाना बनाया जाएगा, कैसे उनका रॉ मटेरियल क्रिएट किया जाएगा, कैसे वो रॉ मटेरियल के बेसिस पे अपनी परचेज करेंगे और कैसे उन सबको मिला के अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे और उस कॉस्ट के बेसिस पे कैसे अपने पेरेंट्स को वो टिकट दी जाएगी। और उसी टिकट के बेसिस पे वो जो इनके पेरेंट्स हैं, चाहे इनके मदर, फादर, गार्जियंस, ब्रदर, वो लोग आएंगे और उस खाने को टेस्ट करेंगे जो इन बच्चों ने अभी बनाया है और पेश किया है। बनाना तो फिर भी एक बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन उसको किस तरह से पेश किया वो एक अपने आप में फूड फेस्टिवल है। और आपने देखा होगा, यू नो, एंट्री से लेके उनके एंटरटेनमेंट से लेके उनको टेबल की सेटिंग से लेके उनकी ग्रीटिंग से लेके ये सारा प्रोसेस ये पहले साल के फर्स्ट ईयर के फ्रेशमैन बच्चों ने किया है, जो कि एक हमारी अपने आप में स्पेशलिटी है। और यही स्पेशलिटी हम अपने बच्चों को देते हैं और यही स्पेशलिटी लेके बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं। वो इंडस्ट्री चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, उसी का आज बेनिफिट है कि 25,000 से ज्यादा बच्चे यूआई ग्लोबल एजुकेशन का हिस्सा बन चुके हैं। ये 9 जगह कैंपसेस हैं, जिसमें यूपी के अंदर ही हमारे 2 कैंपस हैं, जो कि एक लखनऊ में है और एक अभी आगरा में है। तो ये फेस्टिवल जो कराया जाता है उसके अंदर जो शेफ हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट से आते हैं, अलग अलग प्रदेश से आते हैं। जो आज शेफ आए हैं वो शेफ जो है वो महाराष्ट्र से आए हैं, आज जो हमारे सर्विस के चीफ आए हैं वो हमारे दिल्ली से आए हैं, और आगरा के अंदर उन्हीं टीम के साथ वो मिलके इन बच्चों को और होनहार और सशक्त बनाते हैं ताकि वो खुद के लिए अपनी जॉब या अपना एक एंटरप्रेन्योरियल रोल लेकर। आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने देखा तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख करके और यहाँ पे सही बच्चों को देख करके कि बच्चों ने जिस तरीके से डेकोरेशन किया, बच्चों ने जैसे खाना बनाया बहुत अच्छे से भगत की, ऐसा देख करके मतलब बच्चों को देखकर गर्व होता है कि आजकल बच्चों में ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन यहाँ पर देखकर लगा कि ये सब बच्चों को संस्कार यहाँ पर कोचिंग में डाले जा रहे हैं। मैं बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि आगे भी इस तरीके से होता रहे।